हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है कैन मनी गिव यू हैप्पीनेस। ये आजकल बहुत नैरेटिव चल रहा है, काफ़ी टाइम से भी चल रहा है कि पैसा जो है खुशी नहीं प्रदान करता, पैसा हाथ की मैल है, क्या रखा है इतने पैसे में, इतना पैसा पैसा नहीं करना चाहिए, राइट। आपने भी यही सुना होगा। अच्छा, अब मान लीजिए कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, आप वेकेशन पे जा रहे हैं, आप लीव लेके गए हैं। लेट से आप नौकरी करते हैं तो आप कुछ 3 या 4 दिन छुट्टी लेके आप कहीं बाहर जाएंगे अपनी फैमिली के साथ, या अकेले जाएंगे या दोस्तों के साथ जाएंगे घूमने के लिए, राइट। अब अक्सर क्या होता है कि जब आप वहाँ जाते हैं तब आप सोचते हैं कि यार बढ़िया गोवा के बीच दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, मज़ा आ रहा है काफ़ी। लेकिन आपके जो बैक ऑफ द माइंड एक थॉट रहता है, वो क्या थॉट रहता है, वो ये थॉट रहता है कि यार 5 दिन यहाँ पर अच्छा से मैं करूँगा या करूँगी, इन्जॉय करूँगी, लेकिन यार मंडे को फिर से उसका ऑफिस का फिर से हमें देखना पड़ेगा, फिर वही किचकिच, फिर वही झंझट। तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो दुख तो है, और मैं ये समझता हूँ कि इस सिनेरियो में ये इंसान, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया जो ऐसा बेचारे छुट्टी लेके जाते हैं और जो आई शुड से रिच नहीं है, आई वुड कम टू दिस पॉइंट कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वो रिच नहीं है। तो ये जो लोग रिच नहीं है उनको लगता है, उनको अंदर दुख होता है, उनको लगता है कि यार मैं अभी इंजॉय कर रहा हूँ, फिर 5 दिन के बाद फिर से कर रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपको खुद पता है कि आपको खुद नहीं पता कि अगली बार जब आप यहाँ आएंगे तो पहली बात क्या आप भी पाएंगे, दूसरी बात क्या आपको छुट्टी मिलेगी, तीसरी बात ऐसा कुछ होगा कि नहीं, मैं इंजॉय कर पाऊँ कि नहीं। आपके मन में ऐसे सुइयाँ चुभ रही हैं बहुत, और आपको ना एकदम से बॉम्बार्डमेंट हो रहा है एकदम कि यार ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, तो स्ट्रेस आ जाता है यार। और एज पर मी, जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ भी आपको स्ट्रेस आता है तो द होल थिंग गेट्स स्पॉइल्ड। तो कोई फॉर एग्जांपल ये बात है कि मतलब कोई किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहा है, या कोई लेट से कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, तो बीच में किसी सीनियर ने या आपके बॉस ने किसी ने बोल दिया, स्मॉल स्मॉल चीज़ों पे कलेश किया कि अरे इसका तो ये ठीक नहीं है, या ये ठीक नहीं है, या शादी में रिश्तेदार बोलते हैं पर ये ठंडा हो गया, मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया, क्या बनाया तुमने, ऐसे बोलते हैं। तो यार ऐसे लोग ना खुशी के माहौल में एकदम से रायता पड़ा जाता है, वही चीज़ यहाँ हो रही है। अब मैं इस पॉइंट पर आता हूँ कि वाई दीज पीपल, आई मीन मोस्ट ऑफ पीपल इन इंडिया आर नॉट रिच। अब जो अमीर इंसान होता है ना, अमीर इंसान और ये जो लोग थे जो बेचारे 4-5 दिन छुट्टी लेकर जाते हैं, बहुत फ़र्क है इन दोनों में। अमीर इंसान जो है, आप ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मतलब क्या बोलो उसका, वीडियो का एकदम क्रिस्प निचोड़ है इस पूरी वीडियो का। अमीर इंसान जो है वो उसके मन में ऐसा नहीं रहता कि यार अभी ऐसा हो जाएगा, मतलब ठीक है उसको भी बाकी काम करने हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी काम खुद का करता है, जॉब नहीं करता ऑब्वियसली, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, बिकॉज जॉब अगर आप जॉब करते हैं तो आप इतने लिबरेट नहीं हो पाते हैं, अल्टे अनलेस आप खुद का काम शुरू करते हैं, देन आपको ऊपर कोई इतना प्रेशर नहीं है ना कि आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे, खुद के लिए काम कर रहे। तो क्या होता है कि अमीर आदमी जो होता है, रिच पर्सन, ही और शी इज़ अवेयर कि मैं साल के 365 डेज कभी भी जब भी मेरा दिल करे मैं गोवा जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, या कोई भी जगह, मैंने एग्जांपल भी गोवा ले लिया, मैं फुकेट जा सकती हूँ, मैं मालदीव जा सकती हूँ, मैं अंडमान निकोबार जा सकती हूँ, मुझे कोई सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसे उसके पास इतनी बैंडविड्थ है, इतनी लीवरेज है, इतना पैसा है। अब यहाँ पर पैसा आता है, उसको पता है कि यार वो बार बार चेक नहीं करती
से हम लोग बोलते हैं ट्यूसडे की रात को और वेंसडे की सुबह फ्लाइट के फेयर्स सबसे सस्ते होते हैं, वो लोग नहीं सोचते हैं इतना। वो सोचते हैं कभी भी देखा अच्छा है दिल्ली टू बॉम्बे, दिल्ली टू मालदीव्स, अच्छा इतना फेयर है, बुक, ऐसे करते हैं। तो रिच इंसान जो होता है वो उसको इतना टेंशन लेता नहीं है, बिकॉज उसको पता है कि भैया उसके पास पैसा बहुत है और उसके पास ये बंधन नहीं है कि यार ये नहीं हुआ तो ये नहीं होगा, कल परसों जाना है, इधर वहाँ जाना है, बॉस को प्रेजेंटेशन देनी है, ये देनी, रिपोर्ट देनी है। तो कहने का मतलब ये है कि जब लोग बोलते हैं पैसा खुशी नहीं देता है, वो बहुत ही बहुत लूज स्टेटमेंट है। मैं ये कहता हूँ पैसा खुशी देता है। अब बहुत लोग बोलेंगे अरे तुझे क्या पता, पैसा कुछ नहीं रखा है पैसे में, सब हाथ का मैल है, सब पागल हो जाते हैं उसके पीछे। अब भाई अब कलेश ही इंसान के बारे में बात करूँ तो बात अलग है, लेकिन एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। एक महिला है, ठीक है, एक वर्किंग कपल, नॉट वर्किंग कपल, शादी में हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, और वाइफ जो है हाउस वाइफ है, इस सिनेरियो बिल्डअप कर रहा हूँ, ठीक है, वाइफ हाउस वाइफ है और ऑब्वियसली हस्बैंड बाहर जाता है काम करने के, पैसे कमाने के। अब वाइफ को लगता है कि यार मुझे अपनी बहन को गिफ्ट करना है, ये कुछ चीज़ उसको मन करता है कि यार मैं ये साड़ी उसको गिफ्ट करूँ या अपने छोटे भाई को ये दूँ वगैरह वगैरह, आईफोन गिफ्ट करूँ, होता है, मन करता है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली वो पैसे कमा तो नहीं रही है, तो यार वो बेचारी एक बार सोचती है कि यार क्या मैं पति से पूछूं वो हाँ करेगा या ना करेगा। तो देख रहे हैं, देख आप समझ रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अब यहाँ पर क्या है, पैसा उसका नहीं है। अगर वो पैसा खुद से कमा रही होती तो उसके पास ये ये चीज़ नहीं आती अंदर उसके मन में, स्ट्रेस नहीं आता कि सोचती नहीं इतना कि यार पैसे करूँ, किसी से मैं पूछूँ, किससे परमिशन लूँ, उसका पैसा है वो। हाँ परमिशन बाय द वे बोलेगी कि हाँ मैं ये ले रही हूँ, इन्फॉर्म करेगी, अगर वो वर्किंग होती इन्फॉर्म करेगी अपने हस्बैंड को, ठीक है, लेकिन उतना स्ट्रेस उसको नहीं आता वनस्पत उसके जहाँ वो पैसा नहीं कमा रही। तो यहाँ देख रहे हो कैसे पैसा एक बहुत ही पावरफुल टूल की तरह काम कर रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ। और इसमें मैंने पहले भी कहा था पैसा बहुत बहुत ज़रूरी है। हाँ अब आपके पास अगर 1,000 करोड़ है, ठीक है, और फिर आप बोलते हैं कि आप बिल गेट्स लोग बिल गेट्स का एग्जांपल लेते हैं कि फिलैंथ्रोपी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो यार आप ऑब्वियसली आप उस लेवल पर पहुँच नहीं रहा, आप पहले उस लेवल पर तो पहुँचो। आप जब लगता है कि हाँ यार 1,000 करोड़ फिर मन भर गया, तब बात अलग, तब बोलते हैं कि मनी इज जस्ट अ नंबर। बट आपके लिए जो बेचारा 10 बार सोचता है कि कौन सी ट्रेन में बुक करूँ, कौन सी फ्लाइट लूँ, सुबह में सस्ती मिल रही है, अभी महंगी मिल रही है, क्यों लोग फ्लाइट्स में रात में जाते हैं, बिकॉज वो सस्ती मिलती हैं, जो ऑफ द स्लॉट टाइमिंग्स होती हैं, जैसे रात के 2 बजे लोग बैंगलोर से उड़ रहे हैं कहीं और पे या दिल्ली से उड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल से कह रहा हूँ, ठीक है, तो सस्ती मिलती है ना। अब ऐसा तो नहीं कि फ्लाइट सिर्फ रात को ही है, दिल्ली बॉम्बे में जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थ्रू आउट द डे दिन में रात में मिडनाइट में भी फ्लाइट्स हैं, इन सबसे चीपेस्ट जो है वो सिर्फ मिडनाइट और रात वाले स्लॉट्स में है, करेक्ट। आप जो दिन में भी है फ्लाइट्स, लेकिन उसका प्राइस महंगा है, तो आप सुनने जाते हो क्यों, आपको लगता है यार 2,000 रुपये महंगा ले रहा है, कौन जाए इसमें, करते हैं आ गया ना पैसा, आप बोलते हो कि पैसा ये नहीं करता, यहाँ पैसा आ गया। तो मेरा ये मानना है कि जैसे बोलते हैं ना कि अंगूर कट्टे हैं साहब है, कि जब जिसके पास जो नहीं होती उसको लगता है कि यार क्या है, ठीक है मेरे पास नहीं है, इसलिए वो जस्टिफाई करता है कि नहीं यार हमारे पास नहीं है, मतलब ये रीज़न है, जस्टिफाई करता है। मैं ये कहता हूँ कि जस्टिफाई मत करो, बिकॉज ठीक है वो अलग बात है कि जिस चीज़ की आप जस्टिफाई कर रहे हो वो चीज़ अपने आप में ही गलत है, बेसलेस, लेकिन जस्टिफाई मत करो।
मतलब आइडेंटिफाई मत करो बाकी जगह से, वहाँ घूम रहे हो आप, अच्छा ये मेरे, मैं जो सोचता हूँ इसको वैलिडेशन, इसको बोलते हैं वैलिडेशन सीख करना कि आप, हाँ ये उसने बोल दिया मतलब हाँ चलो दिल को मेरी यू नो रिलीफ मिला कि हाँ चलो ठीक है अब ठीक है, इससे कम कमा रहा हूँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन चलो ये भी ऐसा नहीं करता। तो कुल मिला के समरी यही है, संक्षेप में यही आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पैसा बहुत ज़रूरी है, एक पॉइंट के बाद ज़रूरी ना हो, उसमें भी बहुत कंडीशंस हैं। अच्छा अगर आपको और चीज़ समझना है इसके बारे में ना, तो मैंने टाइम और मनी के ऊपर बहुत ही उम्दा वर्कशॉप की है, ठीक है, वो मेरे चैनल पे उसके रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, अगर आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं देन यू कैन एक्सेस दैट by joining the membership of the channel, और then you can gain more insights. Like अभी जो मैं बोल रहा हूँ obviously limited चीज़ है, लेकिन वहाँ वो एक दो घंटे के वर्कशॉप में मैंने इसको चीज़ों को मैंने बहुत ब्रॉडर वे में एक्सप्लेन किया है और कुछ डार्क चीज़ें भी डिस्कस की हैं जो उसको इम्पैक्ट करती हैं। डार्क चीज़ें ना ऐसे ओपनली आप शेयर कर नहीं सकते बिकॉज ऑब्वियसली यार रीजन्स बहुत सारे रीजन्स हैं। तो अगर आप वो चाहते हो देन यू कैन यू नो टेक दैट वर्कशॉप, इन दैट वर्कशॉप रिकॉर्डिंग है वो। तो एज ए सेट बिफोर क्लोजिंग आउट कि पैसा बहुत ज़रूरी है, जितना पैसा हो उतना बढ़िया है, बिकॉज दुख जो है गरीबी में, जो गरीबी में जो दुख आता है आपको पता ही होगा कि कोई चीज़ अभाव है किसी का, कि यार कोई आपके अंदर भी एक बच्चा बैठा है जो बेचारा, ठीक है आप नौकरी कर रहे हो ठीक है बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको भी लगता है यार अपनी खुशी के लिए कि आपकी हॉबीज कुछ हो गई, या आपको लगता होगा कि यार मुझे वो 500 रुपये वाली आइसक्रीम खानी है, या बढ़िया वाली वो जो जो लोग ये काम कार्यक्रम करते हैं उनको लगता है कि यार बैठेंगे बढ़िया वाली लगाएंगे एक आध एक, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो उसको भी आपको खुश रखना है बिकॉज आपका अंदर का बच्चा का खुश नहीं है ना, तो देन आपकी लाइफ बहुत मिजरेबल रहेगी, एंड अगर आप मिजरेबल रहोगे तो आपके आसपास लोग भी मिजरेबल हो जाएंगे और तकलीफ। तो मेरा चैनल का यही एम है कि लाइफ शुड नॉट बी मिजरेबल, बस यही मेरा कहना है। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आपने कुछ गेन किया होगा इस वीडियो को देखकर, और ऐसे ही वीडियोस अगर आपको और चाहिए आते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत जल्दी हम लोग 1000 के माइलस्टोन को हिट करने वाले हैं। सो आप लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरी हेल्प करिए उस माइलस्टोन को जल्दी रीच करने के लिए, बिकॉज क्या है ना, जब बोलते 400 पार आपकी बात 400 पार तो भैया कॉन्फिडेंस मिलता है, 400 पार और 270 सीट में बहुत फ़र्क होता है ना। तो हमारे यहाँ भी 1000 पार करवाइए, हमारी सरकार को भी समर्थन दीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।